तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन और एक और नई वीडियो में DL93 व्लॉग्स की, मेरे चैनल की आप सबका स्वागत है। तो भाई आपने ना, मैंने आपको याद होगा एक GPS के भाई एक ट्रैकर की वीडियो डाली थी, वो वायर्ड था, तो उसी ब्रांड का आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वायरलेस। अगर उस वायर्ड वाले का आप लोगों ने भाई वीडियो नहीं देखी तो ऊपर भाई यहाँ कहीं आई बटन मारोगे आप जाके देख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसकी वीडियो का, तो आप भाई पहले वो जाके देखो। अगर जैसे वायर्ड लेना और जैसे वायरलेस लेना है आप ये वाली वीडियो देखते रहे। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ये है भाई वायरलेस डिवाइस। तो ये आता है भाई अर्थ ट्रैक की तरफ से GPS ट्रैकर वायरलेस मैग्नेटिक भाई होता है ये, और इसमें लगभग भाई 6800 या 7000 के आसपास कुछ MAH बैटरी होती है, वो आपको स्क्रीन पर एग्जैक्ट जितनी होगी दिख रही होगी। तो इसकी देखो मैं एक खास बात आपको बता देता हूँ, अनबॉक्सिंग के टाइप में आपने देखा होगा एक स्विच ऑफ ऑन ऑफ सिम वगैरह कहाँ लगते हो सब आपने देख लिया होगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये ना आप किसी को ट्रैक करने में लगा सकते हो, या फिर भाई जो लोग अपनी गाड़ी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कराना चाहते कि भाई वायर कट वगैरह वाले सिस्टम नहीं चाहिए वो लोग, और जैसे भाई होते हैं ना कुछ BMW वाले ओनर या फिर और लग्जरी कार्स टाइप के, तो मतलब क्या करते हैं ना भाई इसे कहीं पे भी रख देते हैं। जैसे मान लो उन्हें गाड़ी की ट्रैकिंग करनी है तो गाड़ी में रख दो, मतलब नॉर्मल इसका काम ट्रैकिंग है। और इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स मैं आपको एक बार बता देता हूं, लाइव ट्रैकिंग होगी, रियल टाइम लोकेशन आपको ये बताएगा, स्पीड किलोमीटर लाइव, मतलब वो सब मतलब एप्लीकेशन दिखाऊंगा मैं अभी आपको, रुके रहो पहले मैं एक बार आपको फीचर बता दूं। SOS मिलेगा भाई, स्टॉपेज समरी वगैरह मिलेगी, साउंड मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ होगी, और राइड प्लेबैक रिपोर्ट शेयर, लोकेशन शेयरिंग, ट्रैवल समरी, जियोफेंस पार्किंग, डिस्टेंस समरी, और नो वायर कटिंग और स्प्लाइसिंग। वायर कटिंग का तो भाई इसमें सवाल ही कुछ नहीं होता क्योंकि ये वायरलेस है, पूरा मैग्नेटिक है। और इसके कुछ मेन फीचर मैं आपको बता देता हूँ जो आपको वायरलेस में मिलते हैं और वायर वाले में नहीं मिलते, मतलब जो आपने वीडियो देखी हो उसमें नहीं मिलेंगे आपको ये वाले। तो क्या है भाई, इसमें ना आप वॉइस सुन सकते हो गाड़ी में, मतलब गाड़ी में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज हो रही है। तो जैसे भाई आप लोगों ने देखा होगा भाई, यार दोस्त गाड़ी मांग के ले जाते हैं और वो बताते हैं हॉस्पिटल तक जाना है या भाई कुछ काम है, कल मॉल जाना है, और भाई निकले हुए अपना 2 दिन के लिए देहरादून की ट्रिप पे और हिमाचल प्रदेश वगैरह कुल्लू मनाली, काफी सारे लोगों के साथ भाई ये प्रॉब्लम आती होगी। तो भाई अगर आप अपने दोस्तों को ट्रैक करना चाहते हो या फिर अपने किसी भी मतलब सुनना चाहते हो कि भाई वो क्या बात कर रहे हैं आपकी गाड़ी में, तो इसमें ना आप अपनी सिम लगाइए, और जैसे अपनी नॉर्मल सिम कार्ड जो आपके फोन में होता है उसमें बस एक रिक्वायरमेंट है, उसमें भाई डेटा होना चाहिए, नेट होना चाहिए, मतलब उसमें रिचार्ज, वो आप इसमें लगाइए, वो आपने अनबॉक्सिंग में देख लिया हो कैसे लगता है, और वो भाई अपना सिम कार्ड इसमें लगाइए, और भाई जब आप इस नंबर पे जो सिम आपने इसमें डाली उस पर कॉल करेंगे अपने नंबर से, उससे भाई कॉल ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा और इसमें भाई वॉइस आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके फोन पे, मतलब इसमें माइक लगा हुआ है तो ये अपनी वॉइस आप तक, आपके फोन तक, जैसे कॉलिंग वाला फीचर है, मतलब एक तरीके से फोन पे बात कर रहे हो वाला सीन है, और आपकी आवाज इसमें से नहीं आएगी, वो आप मतलब उस चीज से निश्चिंत रहे कि भाई गाड़ी में पता चला ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी वॉइस इसमें नहीं जाएगी, इसकी वॉइस आपके कानों तक जाएगी, ठीक है। और भाई सबसे अच्छी चीज क्या है ना, ये इसकी मैग्नेटिक दिख रही है, ये मैग्नेट्स है भाई इसकी, और इसकी मैग्नेटिक भाई बहुत तगड़ी है, बहुत पावरफुल मैग्नेट इसमें यूज करी गई है इस डिवाइस में, वो मैं अभी आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा चला के गाड़ी को, और इसे क्या करेंगे ना बोनट पे रख देंगे, और उसके बाद कुछ एक आध किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा, कुछ काफी पैच जो खराब रोड है भाई उस पर गाड़ी चला के दिखाऊंगा ये डिवाइस की मैग्नेटिक की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब कितना कैपेबल इसका मैग्नेट है, गिरता है हिलता है कुछ होता है, और सामने की तरफ मैं कैमरा लगा के रखूंगा तो वो भी एक चीज हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल भाई मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एप्लीकेशन आपको कैसे यूज करनी है, इंटरफेस कैसा होगा, इंस्टॉल कैसे करनी है आपको, और कैसे आप मतलब सारी चीज अपनी ट्रैक वगैरह कर सकते हो। तो चलो ऐसा कुछ भाई आप लोगों को बॉक्स मिलेगा, ये इनकी भाई ऑफिस का एड्रेस है, ये सारे नंबर्स वगैरह, अर्थ इन्फोटेक इनकी कंपनी की ब्रांडिंग, और ऐसे कुछ बॉक्स में भाई आपको ये मिलता है। बाकी फिलहाल एक बार बॉक्स को ओपन करते हैं, तो ये मिलता है भाई एक सिम कार्ड आपको इसके साथ, और बाकी देखते हैं ये भाई यूजर मैनुअल जो कि आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इन्हें रखते हैं एक बार साइड में, और देखते हैं भाई बॉक्स में और मिलता है आपको अपना वायरलेस GPS ट्रैकर। ये देखो ये जो इसकी डेटा केबल है इससे कनेक्ट होगी क्योंकि ये मैग्नेटिक है, तो ये भी अभी दिखाऊंगा आपको भाई, इसे रखते हैं तो साइड में। फिलहाल भाई आपको चार्जिंग करने के लिए इसमें मिलते ही एक डेटा केबल और एक अडैप्टर मिलता है भाई इसमें, और बाकी आपको भाई एक 3M की टेप भी मिलती है ज़्यादा अच्छे से मतलब इसे चिपकाने के लिए और ज़्यादा अच्छी से ग्रिप देने के लिए। तो ये सब भाई देखो दो दो मिलती हैं। तो ये सब था भाई कुछ बॉक्स में, फिलहाल आपको अभी मैं लेके चलता हूँ GPS ट्रैकर की तरफ, बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये अपना GPS ट्रैकर है भाई मैग्नेटिक, ये जो दिख रहा है ये जितने भी पॉइंट के सारे मैग्नेट है, और ये सेंटर में मैग्नेट है भाई, काफ़ी अच्छी इसमें ग्रिप मिलती है आपको। ये एक ऑन ऑफ का बटन है देखो भाई, और ऊपर एक आपको रबर का क्लैंप सा मिलता है भाई, अगर आप इसे निकाल हटाते हैं तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको भाई एक रबर का क्लैंप मिलता है, अगर आप इसे हटाएंगे तो
देखो भाई जैसे मैंने यहाँ पे अपनी सिम इंसर्ट कर रखी है, आपको भी यहीं पे करनी है। बड़े वाली सिम डलती है इसमें भाई, वो नहीं है कि छोटे वाली। यहाँ से आप कर सकते हैं इसे चार्ज। ये तीनों है भाई, ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है इंडिकेटर, इसमें चलेगी भाई आपकी बैटरी वाली लाइट। सेकंड वाला है ये भाई, है अपना सेटेलाइट वाला, और ये है अपना जो इसमें सिम डली है उसके सिग्नल का। तो इसे अभी देखो फिलहाल बंद कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है अर्थ ट्रैक। अर्थ ट्रैक आपको भाई यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन हो रहा है, ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन आ गई, इसे कर लो इंस्टॉल। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। जैसे कि भाई एप्लीकेशन हो चुकी है यहाँ पे हमारी ओपन, अभी चलते हैं भाई एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। और सबसे पहली चीज भाई, आपको अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप मान लें अपनी अपना डिवाइस वगैरह ऐड करके आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो भाई सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले पी वाले पे क्लिक कर दो, तो ये होता है भाई पार्किंग मोड। अब जैसे मैंने ये एनेबल कर दिया तो अब क्या होगा ना भाई, अगर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करके भाई थोड़ी सी अगर गाड़ी चलेगी तो भाई ये आपकी साउंड बजाना स्टार्ट कर देगा कि आपकी मतलब आपको एक अलर्ट साउंड सुनाई देगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अपनी गाड़ी मूव हुई है। सेकेंडली भाई अपने यहाँ पे कॉल वाले उस पर करेंगे तो भाई कस्टमर का आ गया, आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर आपको यहीं से दे रखा है। ये इंजन ऑन ऑफ वाला है भाई फीचर अपना, और ये भाई ये खोल देगा भाई अपने डायरेक्ट मैप्स, मतलब कहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। रिफ्रेश अगर आपको ऐप पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करना, हो गया रिफ्रेश, दोबारा हो गया। और ये भाई अपने मैप का और भाई ये अपने मैप का थोड़ा सा इंटरफेस चेंज करने के लिए, जैसे आप नाइट ड्राइव वगैरह करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा डार्क मोड वगैरह लग गया, वापस से डे मोड लग गया, ठीक है। और ये आ जाता है भाई कुछ ट्रैफिक का, जैसे भाई ये देखो जूम करेंगे मैप पे तो ये उस तरीके से है भाई, जैसे गूगल मैप्स नहीं होता वो दिखा देता है आपको कि जैसे भाई रेड रोड हो रही है तो भाई आगे जाम लग रहा है, इस टाइप से वर्क करता है। और इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड फिलहाल ये एक आ गया सैटेलाइट व्यू, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी कार खड़ी हुई है फिलहाल, तो ऐसे आ गया यहाँ पे व्यू। भाई आप ना मतलब अपने काफी सारे इसमें ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो। ये वापस मैं नॉर्मल मोड, मेरे को ये बढ़िया लगता है तो मैंने ये वाला लगाया। बाकी अगर आप नीचे करते हो तो आइडियल आ रहा है, देखो आइडियल मतलब मेरी गाड़ी 30 मिनट से खाली खड़ी है, कहीं गई नहीं है फिलहाल, क्योंकि देखो मैं पार्किंग में ही खड़ा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई भाई टोटल इंजन कितनी देर चला, जब से मैंने डिवाइस इंस्टॉल करा वो चला भाई 24 घंटे। और डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट स्टॉप 0.03 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जब से भाई ये मैंने इंस्टॉल करा है 291 किलोमीटर, और टुडे स्टॉप 15 घंटे, और मतलब 15 घंटे से नहीं चली भाई ये गाड़ी। तो भाई ऐसे कुछ आपको सारे फीचर मिलते हैं। और भाई अगर आपको अपनी लोकेशन सीधा गूगल मैप्स पे चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो डायरेक्ट भाई गूगल मैप्स पे इसने खोल दिया है, और आप मतलब वहां पे भी जाके सब कुछ ट्रैक कर सकते। ये था भाई कुछ एप्लीकेशन का इसका चलना, मतलब आपको मैंने सारे इंटरफेस वगैरह सब कुछ दिखा दिया कैसे वर्क करता है। तो भाई जैसे कि आप लोग ने अनबॉक्सिंग वगैरह सारी देख ली होगी, आपको बॉक्स में ये वाला एक डिवाइस मिलता है मैग्नेटिक ट्रैकर है अर्थ ट्रैक का, और बॉक्स में आपने देखा क्या क्या मिलता है इसे। और भाई इसमें मिलती है आपको 10,000 mAh की बैटरी, और 10,000 अगर मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो 10,000 आपका लगभग भाई 15 दिन 14 दिन 16 दिन एज पर द यूजेज आपका हो जाएगा। गाड़ी से डायरेक्ट सप्लाई नहीं लेता है, तो भाई आपको जब भी मतलब ये डिस्चार्ज हो आपको निकाल के जहाँ पे भी आपने छुपा रखा है अपनी गाड़ी में निकाल के वापस से चार्ज करके लगभग 3-4 घंटे चार्ज होने में लेता है। चार्ज करने के बाद भाई वापसी रख दो, रात को आप चार्जिंग पे लगा देंगे, सुबह तक आपका डिवाइस चार्ज हो जाएगा और सुबह फिर लगाओ, फिर 10-15 दिन के लिए आपकी फ्री हो आप मतलब। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन वगैरह सारी देख ली होगी कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, कैसे भाई मतलब एक इंटरफेस होता है, कैसे इंस्टॉल वगैरह करना होता है, सब आपने देख लिया। और एक चीज और करेंगे, मैं एक बार बाहर चलते हैं रोड पे फिर दिखाता हूँ, चलो। तो भाई अब क्या करेंगे ना, ये जो डिवाइस है इसकी टेस्टिंग मैं आपको बता रहा था करके दिखाएंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, इसे गाड़ी के सामने फ्रंट पे बोनट पे इसे मतलब जहां से चिपकता है उस साइड से इसे लगा दूंगा, और फिर थोड़ी सी गाड़ी चलाऊंगा उबड़ खबड़ रास्तों पे, आपको दिख जाएगा, मैं मतलब कैमरे से दिखाता रहूंगा। तो देखते हैं भाई इसकी कितनी अच्छी ग्रिप है, और उसके बाद देखते हैं, चलो। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैंने लगा दिया, तो एक बार चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये गिरता है या फिर नहीं। भाई कैमरा हिल रहा है मेरा, एक बार कैमरा पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ट्रैकर आपको मेरे भाई उम्मीद है दिख रहा होगा, वो रहा वहां पे। तो एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अगर भाई व्यू में दिक्कत आए तो सॉरी।
वाइपर पे अभी पानी मार लेते हैं। चलो अब चलते हैं, अब मस्त दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई तो टूटे फूटे रास्तों पे भी चलाई, पर गाड़ी हिल रही थी, वैसे आपको लग नहीं रहा हो क्योंकि इसमें वाईएस सिस्टम होता है। तो वो रहा भाई अपना जीपीएस ट्रैकर, वो भाई हल्का सा हिला भी नहीं, एक इंच भी नहीं अपनी जगह से हिला। और अभी दोबारा उसी रास्ते पे को चलते हैं भाई जहां से आए थे। एक बार मैं गाड़ी मोड़ लेता हूं। भाई देखो खराब रास्ते भी आ रहे हैं, ये आपको रोड पे दिख रहे होंगे, बट ये एक इंच भी नहीं हिल रहा अपनी जगह से। तो मैग्रेट भाई बहुत तगड़ी है। और अभी जहाँ से भाई एक बार आया था गाड़ी वहीं पे वापस ले आया, खड़ी करते हैं और बातें करते हैं और भाई फिर और दिखाता हूँ आपको। देखो भाई मैं गाड़ी फिलहाल भाई मैं ऐसे चलाता नहीं हूँ गाड़ी, बट टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी दिखा रहा हूँ खराब रास्तों पे भी थोड़ी सी स्पीड में निकाल के कि क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है और कितनी अच्छी ग्रिप अपनी मैग्नेट से बना के रखती है कार की बॉडी से। देखो भाई जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ना काफी खराब सा पैच था अभी ग्राउंड में जहां से मैं आया हूँ, और वहां पे भी एक इंच नहीं हिला। मेरी भाई इसी पे नजर है, ड्राइविंग पे भी है, बट ज्यादातर मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूँ कि ये हिल रहा है या फिर नहीं। तो अभी तक तो भाई ये कहीं नहीं हिला। तो भाई अभी हमने गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा दी है और फिलहाल मैं आप लोग को लेके चलता हूँ कि वो कहाँ पे लगा हुआ था। तो चलो ये रहा भाई अपना अर्थ ट्रैक का जीपीएस ट्रैकर जो कि टस से मस नहीं हुआ भाई। देखो कितनी हार्ड उससे इन्होंने निशान भी बना दिया अपना मिट्टी से। तो भाई अपनी तरफ से तो हो गया ये पास, और मैंने आपको वीडियो में ना एक थोड़ी सी टेस्टिंग इसीलिए करके दिखा दी भाई आप लोग को भी थोड़ा सा विश्वास हो जाए, और मेरे को भी भाई एक बार टेस्ट करके देखना था कि कितना कुछ भाई जो है ये झेल लेगा। तो भाई मेरे टेस्ट में तो हो चुका बिल्कुल पास। जैसे कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई और इसकी भाई मैंने एप्लीकेशन वगैरह आपको सारी दिखाई कैसे चलती है, और एक बार मैंने आपको टेस्ट भी करके दिखा दिया। तो भाई यही था आज के कुछ वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप इसे करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जीपीएस ट्रैकर कैसे लगा, आप वायर्ड पसंद है या फिर मैग्नेटिक, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, मैंने दोनों की वीडियो फिलहाल बना दी है, और एक और बहुत तगड़े वाला आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है उसकी काफी जल्द, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है यूट्यूब पे भाई, शायद ही ऐसी कोई वीडियो होगी। तो